भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व कर्मचारी और कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए एक खास तोहफे का ऐलान किया। इस तोहफे के चलते रेलवे में काम करने वाले लोग और उनके परिवार वालों को देश के बेहतरीन अस्पतालों के साथ साथ एम्स में आसानी से मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकेगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। रेलवे अब अपने सभी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि UMID कार्ड जारी करेगा, जिसके जरिए ये लोग रेलवे के पैनल में शामिल अस्पताल और देश के सभी एम्स में मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। ये कार्ड सिर्फ 100 रुपये में ही बनेगा और इस कार्ड व्यवस्था से रेलवे के तकरीबन 12.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 15 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं और तकरीबन 10 लाख आश्रितों को इससे फायदा मिलेगा। ये फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स की आ रही उन शिकायतों के बाद लिया गया, जिनमें आरोप लगाया जा रहा था कि डॉक्टर अपने पसंदीदा अस्पतालों के लिए रेफरल जारी करते हैं। नई नीति के तहत अब बिना रेफरल के इलाज मुमकिन होगा और इससे उन्हें बिना किसी बाधा के चिकित्सा सुविधा मिलेगी और डॉक्टरों के रेफरल संबंधी शिकायतों का समाधान भी होगा। रेलवे अब सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के इलाज के लिए अस्पताल और जांच सेंटर की लिस्ट जारी करेगा। विशेष परिस्थितियों में ही किसी खास अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा, लेकिन रेफरल 30 दिनों के लिए ही मान्य होगा। UMID कार्ड हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ही डीजी लॉकर में रखा जाएगा। ये कर्मचारियों, पेंशनर्स की प्रोफाइल पर भी उपलब्ध होगा। रेलवे के सभी अस्पतालों, पैनल में शामिल निजी अस्पताल, इसके साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आपातकालीन या फिर सामान्य इलाज के लिए भी इस कार्ड का इस्तेमाल हो पाएगा। रेलवे की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पेंशनर्स या फिर उनके आश्रितों को UMID कार्ड जारी नहीं होने की स्थिति में भी इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। भले ही कार्ड तुरंत ना मिला हो, लेकिन कर्मचारी की दी हुई जानकारी के आधार पर उसका UMID नंबर पहले ही बना दिया जाएगा, जिससे वो सुविधा का फायदा उठा सके। यूनिक कार्ड में बाकी जानकारी स्थापित करने के बाद HMIS डेटाबेस भी भरी जाएगी।